बालिग हो गया जब लड़का लड़की, तो किसी भी कास्ट के हो एक दूसरे से लव कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। हाँ, और उस पर पाबंदी लग जा रही है। लव जिहाद जो है ये एकदम बेकार चीज है जी। लड़का या लड़की दोनों बालिग रहते हैं जी। सीधी सी बात है जी। जब ही होगा तो जिसको जो पसंद करता उसमें होता है कोई, उसमें कुछ लव जिहाद कहाँ से है, तो जबरदस्ती वाली बात है। लव जिहाद ये सजा बहुत ज्यादा है। सजा जो है बहुत ज्यादा है और जुर्माना भी ज्यादा है। कम पनिशमेंट होना चाहिए। सब बढ़िया है। बढ़िया है सब एकदम। सरकार पक्ष में है मतलब कि हाँ चलो ठीक है। बढ़िया सरकार है। सरकार बढ़िया है। क्या नाम है आपका? जैनुल अब्दीन जी। लव जिहाद का जो बिल है योगी सरकार ने विधानसभा में पास करा लिया, विपक्षी दलों ने भी उस पर अपनी सहमति जताई। क्या कहेंगे इस बिल के आने से, कितना परिवर्तन होगा? मामले जो लगातार आते रहते हैं उस पर कितनी गिरावट आएगी? दरअसल लव जिहाद जो है ये एकदम बेकार चीज है जी। लड़का या लड़की दोनों बालिग रहते हैं जी। सीधी सी बात है जी। जब ही होगा बिल्कुल। तो जब बालिग हैं, हमारा कानून ये कहता है बालिग हैं तो रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, तो फिर ये कौन सा कानून है? ये तो जबरदस्ती वाला कानून है। लेकिन लव जिहाद में ऐसा तो है नहीं किसी एक धर्म को लेकर के। लव जिहाद का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से, कोई धर्म नहीं, अगर लड़का लड़की राजी हैं तो इसमें धर्म और धर्म से क्या मतलब है भाई? हाँ, अगर लड़का लड़की राजी हैं दोनों भाई, एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तो ऐसा है, लव कर रहे हैं या जो भी है, जबरदस्ती तो है नहीं कोई। नहीं, जैसे इस मामले में ज़्यादातर करके कुछ केसेस ऐसे भी आते थे जिसमें पीड़ित जो शख्स होता था या होती थी जो भी है, वो लगातार ऐसा कहते थे कि भाई फोर्स किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है रिलेशनशिप में रहने को लेकर के। तो क्या उस नज़रिए से नहीं, तो इस नज़रिए से तो गलत है। दबाव वाली गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। लव का मतलब होता है कि एक दूसरे को भाई समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, साथ में रहना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन अब दबाव तो गलत है। कैसा है बिल, अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे सिर्फ इस शब्द में, कि आखिरकार इस बिल पर आपका क्या कहना है, सही है गलत? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है। क्या नाम है आपका? वारिस मोहम्मद। मोहम्मद जी, लव जिहाद का जो कानून है वो विधानसभा में पारित हो गया, यानी कि पास हो गया है, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर, सही है या गलत है? लव जिहाद देखिए कहने होता है, सिर्फ ये बस कहने की बात है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये कहने की बात है? ये दिल की बात है, जिसको जो पसंद करता है उसमें होता है कोई, उसमें कुछ लव जिहाद कहाँ से है, तो जबरदस्ती वाली बात है। लव जिहाद अच्छा, और क्या। लेकिन कई केसेस तो ऐसे भी आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि भाई फोर्स किया जा रहा है रिलेशनशिप, जबरदस्ती बनाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, ये तो खाली कहने की बात है। कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कोई रिलेशन बना सकता, कभी नहीं। अच्छा, योगी सरकार का ये जो बिल पास हुआ है अभी, इसमें उम्र कैद होगी और 1,00,000 का जुर्माना है, क्या लग रहा है आपको, सही है? अब ये जबरदस्ती वाला हिसाब किताब में कुछ भी कर सकते हैं, उसमें जुर्माना करें या ना करें, अगर जबरदस्ती कोई साथ किसी के साथ करता है तो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो जबरदस्ती नहीं होता है। मतलब कुल मिला के ये है कि आपके नज़रिए से ये बिल जो पास हुआ है ये नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो देखिए उसमें लव जिहाद की बात क्यों करते हैं, ये तो ऐसे ही कानून था हमारे वहाँ, अगर कोई जबरदस्ती किसी के साथ कुछ करता है तो उसके ये तो करा जाता, बाकी ऐसा कुछ कानून तो था ही ना, जबरदस्ती तो कोई किसी साथ करता नहीं था। देखिए कहीं कोई भी हो, किसी भी जात धर्म का हो, तो ये तो उसके नाम पे तमाम ऐसे उत्पीड़न किया जा रहा। बाकी क्या नाम है आपका? नूर रजा खान। लव जिहाद का जो कानून है वो विधानसभा में पास हो गया है, यहाँ असेंबली में जी पास हुआ है, और अब इसमें उम्र कैद की सजा है, इसके साथ साथ 1,00,000 रुपए का जुर्माना है। नहीं तो देख रहे हैं इस कानून को? इस कानून को हम ऐसे देख रहे हैं कि ये सजा बहुत ज्यादा है। सजा जो है बहुत ज्यादा है और जुर्माना भी ज्यादा है। कम पनिशमेंट होना चाहिए। हाँ, वैसे जो ये बिल पास हुआ है उसके पक्ष में है आप? नहीं, ठीक है। लव जिहाद पे बिल पास ही नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि आज़ादी नहीं है। आपको आज़ादी, बालिग हो गया जब लड़का लड़की, तो किसी भी कास्ट के हो एक दूसरे से लव कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। हाँ, और उस पर पाबंदी लग जा रही है, ये पाबंदी ही तो लगाई गई है। कहीं ना कहीं ये फैसला गलत मेरी निगाह। क्या नाम भैया आपका? हिफ्ज़ुर रहमान खान।
रमन जी, लव जिहाद का जो बिल है वो योगी गवर्नमेंट ने विधानसभा में पास करा दिया, आपको क्या लग रहा है कि सही है कानून? अभी इस पे उम्र कैद की सज़ा है कोई भी अगर पाया गया और 1,00,000 का जुर्माना है। नहीं, ये सही है। सही है, मतलब जैसे एक तो रजामंदी होती है कि भाई हम एक दूसरे की रजामंदी के साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें बताया जाता है कि पीड़ित को काफ़ी उसमें गलत चीज़ों का भी फायदा उठाते हैं, तो वो चीज़ें भी सही हो जाएंगी। सही हो जाएंगी। हाँ, आपके नज़रिए से योगी गवर्नमेंट का ये फैसला ये सही है। जी भैया, क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है। अरे जी, क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन नाम है। क्या लग रहा है आपको, ये फैसला सही है? सब बढ़िया है। बढ़िया है, सब एकदम सरकार पक्ष में है, मतलब कि हाँ चलो ठीक है, बढ़िया सरकार है। सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उम्र कैद की सजा है और 1,00,000 का जुर्माना है, तो इस पर क्या कहेंगे? मतलब सजा ये ठीक है, सही है। जो 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 संविधान पास कर दे सब सही है, जो संविधान पास कर रहे हैं। हाँ, सब सही है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता थी। और इस जनता से हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार लव जिहाद कानून जो यूपी विधानसभा में पारित हुआ है उस पर क्या कुछ कहना है। और ज़्यादातर लोग इस फैसले को लेकर खुश हैं, और कुछ लोगों का ये भी अपना कहना है आज के युग में आप 18+ हैं तो अपनी रजामंदी से रह सकते हैं किसी के साथ कैसे भी। लेकिन कई बार ऐसे केसेस, ऐसे मामले लगातार आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि भाई उन्हें पीड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़न होता है और उसके बाद रिलेशनशिप बनाया जाता है। तो उस हिसाब से जो है ये फैसला काफ़ी सही है गवर्नमेंट का। कुछ लोग इसे धर्म की राजनीति बता रहे हैं और कुछ लोग इस पर खफा भी हैं। कैमरामैन आदर्श के साथ मैं विवेक।